ऑपरेशन चलाने का पास। ऑपरेशन थिएटर 5 मिनट के अंदर तैयार करवाओ। ऑपरेशन थिएटर? हाँ हाँ, ऑपरेशन थिएटर। मैं ट्रिब्यून की रिपोर्टर हूँ, आप बता सकती हैं क्या हुआ था? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। आपको नहीं लगता ये किसी माफिया का काम है? सुना तुम लोगों ने, इन्होंने केस सुलझा दिया। कमान सबको यहाँ से हटाओ, यहाँ कोई भीड़ नहीं चाहिए। चैनली, चैनली, तू रात को कहाँ गायब हो गया था? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पता है? तुमने मुझे बाहर क्यों नहीं ढूंढा? कटर में। ए, तूने आज का अखबार देखा? फ्रंट पेज पे तेरी माशुका है। फ्रांसिस, तुम आज फिर लेट आए हो, तुम्हें पहले भी वार्निंग दी है। आई एम सॉरी मिस्टर डिकी, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। सर बहुत फटा जा रहा था। अब अगर तुम्हें लड़कियों की नंगी तस्वीरें देखने से फुर्सत मिले तो यहाँ कुछ काम भी करो। सर, इन्हें स्टैनली अपना क्लाइंट बनाने वाला है। और रियली? ठीक है, अगली बार जब ये बैंक में आए तो तुम इसे सीधे मेरे पास लाओगे। क्यों नहीं। एक बात कहूं स्टैनली, अगर मेरा बस चलता तो मैं इस डिक्की की डिक्की तोड़ देता। तू समझता है कि दोबारा वो यहां पे आएगी? अरे भाई उसे भूल जा। स्टैनली मेरी बात सुन, उस जैसी लड़कियां हमेशा ढूंढती हैं बीपीएल, बड़े पैसे वाले लोग। तू उसे नहीं जानता चार्ली, वो एक कलाकार है और कलाकार जज्बाती होते हैं। स्टैनली उसे भूल जा, वो ऐसी लड़की है जो तेरे सीने से दिल को निकाल के फ्राई करके नाश्ते में खाएगी। वो तेरे लायक नहीं है। तुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल सीधी सादी हो, जो एकदम सुंदर और सुशील हो, जो सुनहरे जुल्फों वाली हो, सुंदर से होंठ वाली हो, जो सफेद ब्लाउज और ग्रे जैकेट पहनी हो। तूने तो सारी लिस्ट बना के रखी हुई है, अब देखना मेरा कमाल। हेलो, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? स्टैनली फ्रांसिस। ओह हाय, मैं हूँ मैरी ब्राउन फ्रॉम ट्रिब्यून। ओह हाय, मैंने आपका अखबार लेना इसलिए बंद किया क्योंकि मेरे अखबारों की चोरी होने लगी थी। ओह नो नो, वैसे मैं आपसे कुछ सवाल करने आई हूँ। सवाल? किस बारे में? रिपली ऑटो गैरेज, आप उनके कस्टमर हैं, है कि नहीं? मैं? नहीं तो, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है क्योंकि गाड़ी से पॉल्यूशन होता है। आपके पास 69 मॉडल फिएट है ना? ओ, वो गाड़ी? हाँ है, है, अब मुझे याद आया। मिस क्या नाम बताया आपने अपना? मैरी ब्राउन। वेट ए मिनट, मैरी ब्राउन? सवाल जवाब वाली? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। आपने पिछले साल मेरा खत छापा था, आपको याद है? शरीफ को मिलती है शिकस्त। तो आप ही हैं मिस्टर शरीफ? हाँ। ओ स्टैनली, आपको पता है आपके खत का मुझे क्या रिस्पांस मिला? मेरा मतलब है, हजारों औरतों ने लिखा था कि उन्हें आप जैसे शरीफ आदमी की तलाश है। सचमुच? बिल्कुल। आप जैसे हैंडसम अक्लमंद आदमी मिलते ही कहाँ हैं। आदमियों के लिए औरत तो बस एक खिलौना है। तो आप इस गैरेज के पीछे क्यों पड़े हैं? सवाल जवाब से गुजारा कैसे चलेगा? मैं कड़की में हूँ स्टैनले, इस वजह से कुछ सनसनी खबर की तलाश में हूँ। सुनो, जब तुम गैराज में थे तुमको कुछ भी अजीब सा नहीं लगा? कुछ तो लगा होगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। काश मैं तुम्हारे कोई काम आता, लेकिन